सो स्टूडेंट, अभी हम लोग करेंगे एक एक्टिविटी करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। वो एक्टिविटी ये है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, है ना। टेम्परेचर का मैटर के फिजिकल स्टेट पर क्या असर पड़ता है, लाइक सॉलिड लिक्विड गैस वाले स्टेट पर क्या असर पड़ता है, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक वीकर लेना पड़ेगा, एक वीकर लेना पड़ेगा। ये एक वीकर ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखो, इस बीकर के अंदर जो है जो बर्फ है, आइस है, उसके टुकड़े लेना है आपको। और उसके अंदर आप एक रख दो थर्मामीटर, थर्मामीटर एक रख दो। फिर आप उसको स्टैंड पर, ये ट्राईपोड पर रख के उसको बर्नर से गर्म करेंगे हम लोग। और ये आपका जो थर्मामीटर है उसको स्टैंड से कनेक्ट कर देंगे ताकि हमेशा सीधा रहे ये। चलिए, अब एक्चुअली क्या करना है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रस्ट आइस इन वीकर, छोटे छोटे जो बर्फ के टुकड़े हैं उसको वीकर में लेना है, थर्मामीटर रख देना है और इसको लो फ्लेम पर गर्म करना है। लो फ्लेम का मतलब धीमी आँच पर, है ना, मतलब हीट करना है स्लोली स्लोली, ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, ठीक है। और आपको ये जो यहाँ पर टेम्परेचर के मापने वाली जो डिवाइस यहाँ पर लगी हुई है, लाइक थर्मोमीटर, उसके हेल्प से आपको बार बार टेम्परेचर देखते रहना है, नोट करते रहना है कि टेम्परेचर अब कितना बढ़ा, टेम्परेचर अब कितना बढ़ा। तो ये एक्टिविटी करोगे तो अब इस एक्टिविटी को करने से रिजल्ट क्या आएगा, अब उस तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सो स्टेंट, इस एक्टिविटी को करने के बाद जो हमें रिजल्ट क्या आएगा, उस रिजल्ट को समझने के लिए हमने यहाँ ग्राफ ड्रॉ किया है और वो ग्राफ है आपका टेम्परेचर और टाइम के बीच में। एक्चुअली क्या है कि आइए अब इसको समझते हैं। इधर मैंने एक्टिविटी भी रखा, इधर ग्राफ भी रखा, हम दोनों को साथ में पैरेलल स्टडी करते हैं। एक्चुअली क्या है कि जैसे हम इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर जो क्रस्ट आइस है, यानी टुकड़ा बर्फ का जो टुकड़ा है, वो एक्चुअली क्या है, वो सॉलिड है, ठीक है। तो हम इसको हीट करना शुरू कर दिए लो फ्लेम पर, धीमी आंच पर। तो एक्चुअली जब तक कि पूरा का पूरा ये जो बर्फ का टुकड़ा जो है वो पिघलेगा नहीं, तब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा। तो ये आप जो देख रहे हो यहाँ से, ये जो लाइन देख रहे हो कि बिल्कुल टेम्परेचर एक जैसा है ना। मैं यहाँ से नीचे ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये टाइम हो गया, टाइम मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, टाइम T1 टाइम, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ T1 टाइम। फिर यहाँ से नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ ये T2 टाइम पर, और यहाँ से फिर नीचे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये हो गया हमारा T3 टाइम पर, ठीक है। तो आप जब तक कि ये जो बर्फ जो है, बर्फ जब तक कि पूरे के पूरे बर्फ नहीं पिघलेगा, तब तक टेम्परेचर सेम का सेम रहेगा, ठीक है। आप देख रहे हो कि टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम है, टेम्परेचर बिल्कुल सेम है। मतलब कि ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि जब तक ये बर्फ यानी कि सॉलिड जो है पूरे के पूरे वाटर में लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होगा, तब तक ये वाली सिचुएशन होगी। यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आइस भी रहेगा और वाटर भी रहेगा, है ना। कुछ आइस पिघले हुए हैं तो वाटर बन गए हैं, लेकिन कुछ अभी भी यहाँ पर आइस हैं। तो जब तक ले यहाँ यहाँ टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बदलेगा, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट है। इसके बाद वाले सिचुएशन में देखो कि टेम्परेचर अचानक बढ़ने लगा, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर था, अब अचानक होकर 100 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा जो है ना बर्फ़ पिघल गया, यहाँ पर कंप्लीट बर्फ पिघल गया, ठीक है। अब वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ आ गया, बिल्कुल वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये यहाँ जो है यहाँ पर कौन सा स्टेट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वाटर, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा आइस पिघल जाएगा, इसलिए जब तक ले आइस पूरा का पूरा नहीं पिघलेगा, टेम्परेचर यहाँ नहीं बदला। और जैसे ही वाटर पूरा का पूरा पिघल जाएगा, इस फेज में आ जाएगा, यहाँ बिल्कुल वाटर हो जाएगा। अब हम लगातार इसको हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर वाटर का जो है ना बढ़ने लगेगा, थर्मामीटर के जरिए जो हम वाटर का टेम्परेचर देखेंगे, ठीक है, वो बढ़ने लगेगा। और ये तब तक बढ़ेगा टेम्परेचर जब तक कि वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता है, यानी कि वो बॉयलिंग नहीं करने लगता है। जब तक कि वो बॉयलिंग नहीं करेगा तब तक वो टेम्परेचर उसका बढ़ते जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आकर जो है क्या होने लगता है, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ ध्यान देना है कि 100 डिग्री सेल्सियस सी आते आते यहाँ तक बॉइलिंग करने लगता है। जैसे ही सी के पास आता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में तो क्या हो जाता है, बॉइलिंग शुरू हो जाता है, बॉइलिंग शुरू हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट है। अब जैसे ही आपका जो वाटर बॉइल करने लगता है तो फिर से टेम्परेचर जो होता है उसका क्या होता है, स्थिर हो जाता है, नहीं बदलने लगता है, फिर से उसका टेम्परेचर जो होता है स्थिर हो जाता है, ठीक है। लगातार हीट करने के बावजूद भी, लगातार गर्म कर रहे हैं फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, ठीक है।
यहाँ देखो यहाँ भी लगातार गर्म किया जा रहा था फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, तो इसका रीजन था कि जब तक कि आइस जो है नहीं पूरा का पूरा वाटर में पिघलेगा यहाँ टेम्परेचर फिक्स था, और जैसे ही आइस जो है पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया टेम्परेचर सडनली ग्रो करने लगा और यहाँ पर वो वाटर ब्लो बॉयल करने लगा, उबलने लगा, तो फिर इसका टेम्परेचर जो है क्या होगा स्थिर हो जाएगा तब तक जब तक कि वो पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। जब तक लिए वाटर पूरा का पूरा वेपर में नहीं कन्वर्ट होगा, जब तक वाटर पूरा का पूरा वेपर में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक क्या होगा यहाँ टेम्परेचर सेम रहेगा। यानी कि आप स्टूडेंट यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर कंडीशन क्या होने वाली है, यहाँ जो है इस केस में वाटर भी होगा बॉयल करते हुए और कुछ वेपर भी आपको बनेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जा जाते हैं, पूछ देगा कि यहाँ से यहाँ के बीच में कौन सा स्टेट है, तो आइस प्लस वाटर सॉलिड लिक्विड दोनों स्टेट है, इसके बीच कौन सा स्टेट है वाटर, इतने इतने बीच में कौन सा स्टेट हुआ आपका वाटर प्लस वेपर यानी कि लिक्विड और गैस दोनों स्टेट इस बीच में आ जाता है आपका वो, ठीक है। चलिए तो ये सारी एक्टिविटीज से हम लोगों ने देखा, अब जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है अब उसको जानेंगे। एक्चुअली यहाँ देखो कि यहाँ गर्म कर किए जा रहा था आइस को फिर भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, एक्चुअली यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ा फिर यहाँ देखो कि यहाँ वाटर बॉयल करने लगा और उसको लगातार हीट भी दी जा रही थी फिर भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, टेम्परेचर स्थिर था है ना तब तक जब तक के लिए पूरा का पूरा वाटर वेपर ना बन जाए। तो क्या हो रहा है भाई कि हम हीट प्रोवाइड करा रहे हैं फिर भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ समझते हैं कि यहाँ पर जो है टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा था, यहाँ पर भी टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा था जबकि लगातार हम बर्नर के जरिए बर्फ़ को गर्म किए जा रहे थे, सब्सटेंस को गर्म किए जा रहे थे। एक्चुअली क्या था कि आप देखोगे यहाँ पर कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा था, एक्चुअली जो हम हीट लगातार दे रहे थे कॉन्टिन्यूसली हम जो गर्म किए जा रहे थे तो वो हीट के कारण टेम्परेचर में चेंज क्यों नहीं हुआ। एक्चुअली क्या था कि इस केस में और इस केस में क्या था, एक्चुअली जो हीट जो था ना हीट लगातार जो हम गर्म किए जा रहे थे तो उस हीट का उपयोग किया जा रहा था किस कारण में उस हीट का जो उपयोग किया जा रहा था वो इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने में किया जा रहा था, इंटरमोलिकुलर फोर्स को कम करने में किया जा रहा था, ठीक है। और इस हीट का जो यूज हो रहा था वो इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने में या कम करने में किया जा रहा था और इस कारण से जो है वो सॉलिड से लिक्विड में लिक्विड से गैस में वो चेंज हो रहा था और इसी कारण से टेम्परेचर जो थर्मामीटर लगाया हुआ था थर्मामीटर में टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। एक्चुअली हम लगातार जो गर्म कर रहे थे और गर्म कर रहे थे तो गर्म करने से जो हीट थी उस हीट का उपयोग किया जा रहा था इंटरमोलिकुलर फोर्स को वीक करने में कमजोर करने में है ना, ताकि सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाए, सॉलिड से लिक्विड में चला जाए, लिक्विड से गैस में चला जाए, ठीक है। और यही कारण है कि थर्मामीटर जो है उसमें टेम्परेचर स्थिर बता रहा था, ठीक है स्थिर बता रहा था। तो अब देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि भाई इस हीट को क्या बोलेंगे, ये लगातार हीट दिया जा रहा था फिर भी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा था, ठीक है। इस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट है ना, इस हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट, भाई हीट प्रोवाइड करी जा रही है फिर भी जो है ना थर्मामीटर उस हीट को नहीं ले पा रहा है और टेम्परेचर में चेंज नहीं दिखा पा रहा है। तो हीट यहाँ भी दी जा रही थी, यहाँ भी दी जा रही थी बट यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा था, बढ़ नहीं रहा था, यहाँ भी बढ़ नहीं रहा था, तो यहाँ जो हीट दी जा रही थी यहाँ जो हीट दी जा रही थी उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट, उसी को कहा जाता है स्टूडेंट लेटेंट हीट कहा जाता है, ठीक है। लेटेंट हीट का लेटेंट का मतलब यहाँ होता है गुप्त, लेटेंट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा गुप्त यानी कि छिपा हुआ, लेटेंट का मतलब यहाँ पर हो गया गुप्त यानी कि छिपा हुआ हिडन, ठीक है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे लेटेंट हीट हीट को, द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना, ड्यूरिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना रिमेंस कॉन्स्टेंट, मेल्टिंग पॉइंट के समय बॉइलिंग पॉइंट के समय जो हीट दी जाती है वो स्थिर हो जाती है ना, रिमेंस हिडन वो छिप जाती है किससे छिप जाती है, फ्रॉम द थर्मामीटर से, वो थर्मोमीटर से छिप जाती है, थर्मोमीटर उसको रीड नहीं कर पाता है, ठीक है थर्मोमीटर से वो छिप जाती है, इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट इसी को कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा, छिपी हुई ऊष्मा, ठीक है। चलिए लेटेंट हीट
अब हमें लेटेंट हीट के टाइप देखेंगे। लेटेंट हीट के यहाँ मेनली जो है सिलेबस में दो टाइप्स बताए गए हैं। एक आपके हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी इसी को कहते हैं, और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ बॉयलिंग। तो अब देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को एल एफ से डिनोट करते हैं, एफ से फ्यूज़न हो गया, एल से लेटेंट हीट हो गया। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में आप देखोगे यहाँ पर एल भी बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अगले वीडियो में हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को जानेंगे, समझेंगे। थैंक यू।